बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, मानकोट सेक्टर में धागे मोर्टार। कुपवाड़ा में फिर नार्को टेरर मड्यूल का भांडाफोड़, हथियारों की बड़ी खेप हुई बरामद। भाजपा नेता सहित कोरोना के 21 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कसल ली है कि जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी, जिसने पिछले साल केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वे इसका हमेशा विरोध करती रहेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना लोगों के हित में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि ये यहाँ के लोगों का अपमान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार सुबह 10:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे हथियारों से गोलाबारी की गई और मोर्टार भी धागे गए। फिलहाल सेना दुश्मनों का इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेरर मड्यूल का भांडाफोड़ किया है। आतंकियों के 3 मददगारों को हीरोइन तथा हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। सीमा पार से ये खेप आतंकी संगठनों को सप्लाई करने के लिए भेजी गई थी। सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स तथा एसओजी ने साधना टॉप दर्रे के पास नाका लगाया था। इसी दौरान 2 वाहनों टाटा सुमो व सेंट्रो को रुकने का इशारा किया गया। दोनों वाहन तंगदार से कुपवाड़ा की ओर जा रहे थे। तलाशी के दौरान AK-47 राइफल, 4 AK मैगजीन, AK राइफल्स की 76 गोलियां, 2 पिस्टल व 90 गोलियां, 20 ग्रेनेड तथा 10 पैकेट हेरोइन बरामद किए गए। जिले में रविवार देर शाम को आई कोरोना की रिपोर्ट में 21 नए मामले जिले में सामने आए हैं, जिनमें कालाकोट से भाजपा का एक वरिष्ठ नेता भी शामिल है, जो रविवार शाम तक लोगों से मिलते रहे। अब प्रशासन इन लोगों को कोरोना केयर केंद्र में लाने के लिए एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिला में कुल 21 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद प्रशासन इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान में भी जुट चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 35 के हटाए जाने का 1 साल पूरा होने को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने सारी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की 6 कमेटियां मैदान में हैं। 5 अगस्त का संदेश देश में घर घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रदेश भाजपा ने पार्टी हाईकमान को जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री या गृहमंत्री की वर्चुअल रैली करवाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी टेस्ट तेजी से चल रही है। डोडा के मेडिकल कॉलेज ये टेस्ट करने के लिए एक मशीन स्थापित भी कर दी गई है। कई और भी लगाने की योजना है। दरअसल जिस तेजी से कोरोना के नए मामले बढ़े हैं, उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग को आशंका है कि कहीं ये सामुदायिक संक्रमण का संकेत तो नहीं। इसी को देखते हुए अब एंटीबॉडी टेस्ट कराने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज डोडा में एक मशीन लगा दी है। इससे 1 घंटे में 60 टेस्ट किए जा सकते हैं। शहर में कोरोना संक्रमण की चपेट में जिला उपायुक्त कार्यालय भी आ गया है। DC जम्मू कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड, सैनिटरी वर्कर और पिटिशन राइटर समेत 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आते ही जिला उपायुक्त कार्यालय को अस्थायी कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। संक्रमितों को अस्पताल शिफ्ट कर कार्यालय परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कार्यालय परिसर को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच में गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि अनलॉक 2 की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही है और फिर देश भर में 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनलॉक 3 में केंद्र सरकार सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की अनुमति दे सकती है, जबकि मेट्रो और स्कूल पर पाबंदियाँ जारी रहेंगी। PHE डिपार्टमेंट के डेली वर्जर्स ने भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनको रेगुलराइज करने की मांग की। इसी के लिए हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि वो पर्सनली इस मसले पे इंटरवीन करें और जो के राज्य सरकार को आदेश दें और परमानेंट पॉलिसी जो न्यू बहुफोर्ट कासिम कॉलोनी के लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताया कि जब से ये कॉलोनी बनी हुई है, तब से एक बार भी यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम दोबारा नहीं किया गया।
वहां के लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया कि हमारी गलियां जो बड़ी बड़ी ही खस्ता हालत में है उसकी तरफ ध्यान दें और ब्लैक टॉपिंग का काम सही ढंग से किया जाए, ना कि पैच लगा के। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू को कोई आपत्ति नहीं है। इस बयान का स्वागत जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस वार्ता करके किया। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द 4G इंटरनेट को बहाल करे। वार्ड नंबर 48 सेक्टर 2 का ट्रांसफार्मर जो सोमवार सुबह जल गया था, वहां के लोगों ने कारपोरेटर सुरजीत सिंह चौधरी और बिजली विभाग का भी तहे दिल से शुक्रिया किया कि ट्रांसफार्मर जलने के कुछ ही घंटों में वहां दूसरे ट्रांसफार्मर को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया। तो इतनी जल्दी ये ना ये काम करते हैं और ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये वर्कर ये सुबह आए थे और अभी ये लगाने भी आ गए हैं। पप्पू चौधरी जिंदाबाद। पप्पू चौधरी जिंदाबाद। बहुफोर्ट जम्मू में आज बहुफोर्ट से मोमाया मंदिर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गंडोला का उद्घाटन किया। इस मौके पर जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर मुबारकबाद भी दी। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।